अभी आपको आनंद भी आएगा। बिल्कुल गीत थोड़ा पुराना है लेकिन आनंद उसमें नया नया है एकदम। देखिए कोई कहने लगा क्या, अरे अपना ही साया लेकिन अब गीत क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात कि चुरा के लाए जान की गलती तुमने जान की और इस जानी के चक्कर में आप तुम्हारी जान की अब तुम्हारी जान की भी आफत आ गई है। देखिए मंगलदेव से प्रार्थना करने लगी दशानन से कैसे कि जान जान की अनजाने में नहीं दिया है अपने पति को समझा रहे हैं मंगोदरी जी कि आपने अनजाने में नहीं दिया है ना, आपने जानकर जानकी का हरण किया है। हमको जानकी आफत आएगी आएगी लेकिन ये तो सोचिए कि मेरा क्या होगा, ये सोचिए मेरा क्या होगा। सोचने वाले विषय तो ये है कि आपका तो होगा सो होगा लेकिन मेरा क्या होगा कि मेरा क्या होगा सोचो तो जरा हाय कुछ तो अब ये शर्म कीजिए क्योंकि लल्लंगा के तुम यो करो ना तुम ये करो कि
कर्म आप इतने बुद्धिमान हैं, प्रकांड पंडित हैं, आप ऐसा ज्ञानी संसार में कोई नहीं और आप ऐसा पहले भी घटनाएं हो चुकी लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं समझते हैं तो देखिए कैसे कहा याद करो उन श्वेत द्वीप की नारियों ने मजा चखाया उछाला तुमको सागर मध्य गिराया तो नारियों ने दिया और वहां तुमको कोहरा नारियों से हारे हो हाय अब दूर अपना भरम कीजिए क्योंकि क्योंकि आप अब जिसको हर के लाए लाए वो कोई साधारण नारी नहीं है ना जगत जननी अंबिका है तुम मेरा क्या अरे होगा सोचो लंका के तुम होशे अब देखिए फिर से समझाया कि आप क्यों भूल जाते हैं स्वामी उस अर्जुन से उस बाली से तुमने पराजय पाई हाँ उस अर्जुन से उस बाली से तुमने पराजय पाई और पाली का पासा उठा सके ना तो घोड़ों की लीद उठाई पाली के हाथ से पासा खेलते वक्त पासा गिर गया वो पासा तुमसे लीड उठवाई गई तुमको सजा के तौर पे लीड उठवाई गई तो फिर सोचिए अरे उस अर्जुन से उस बाली से तुमने पराजय पाई और बाली का पासा उठा सके ना तो घोड़ों की लीड उठाई अर्जुन और बाली थे लेकिन अब तो श्री राम से है श्री राम से है अब पाला पड़ा अरे उस अर्जुन से उस बाली से तुमने पराजय पाई किसी से है हाय ऐसे जरम को गर्म कीजिए क्यों कि लंका के लोग लंकेश्वर से कहते हैं ये सब मिट्टी हो जाएगा केवल एक भूल के कारण कि लंका के अरे तुम होशे दुड़ा ऐसे ऐसे ना करम कीजिए करम कीजिए करम कीजिए
अब आप क्यों भूल जाते हैं कि वेदवती वो मारन भाले ने तुमको श्राप कहाया था। आप छोटी छोटी बातों को भूल गए, आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब आखिर होगा क्या? वेदवती वो उमार भाले ने तुमको श्राप कहाया, कुंजज स्थला ने भी तुमको साफ साफ बतलाया, साफ साफ बतलाया था, साफ साफ बतलाया था। अरे मेरा मन ये है भावों से भरा, हाय प्रेंटर कुछ तो धर्म कीजिए, सारे काम अधर्म नहीं करते रहोगे, हाय प्रेंटर कुछ तो धर्म कीजिए, लंका के तुम होशे दुरा से ना चले और गीदड़ों से ना ऐसे कर्म कीजिए, नारायण नारायण श्रीमान कर रही हूँ, धन्यवाद। आइए सुनिए सुनिए फिल्मी तो कह रहा है आपका क्या? अरे मेरा क्या होगा सोचो मेरे शेर। क्या बात है शेरू? ला
दिन गाने तुम हो शेर गीदड़ों के ना तुम ये कर्म कीजिए थोड़ी सी तो शर्म कीजिए जब उठा पाए तो अरे काका उठा रहे थे नींद उठा रहे अरे भैया सुभाष भाई क्या बात है सुभाष भाई और 100 रुपए छोटे भाई मुकेश की क्या बात है मुकेश और 100 रुपए हमारे भतीजे के दीपक के लिए वाह सुभाष भैया मेडिकल कॉलेज 101 मेरे लिए 101 भैया मुकेश के लिए 101 भैया दीपक जी के लिए आइए आइए दीपक भाई जमा रहे हैं क्या प्रयास किया जा रहा है अच्छा एक चीज और रहेगी कौन थोड़ा आगे चलो आगे चलो सुभाष भैया की तरफ से हमारे चचा के लिए है क्या बात है क्या बात है सुभाष भाई भले हम ढोलक वाले की आड़ में हैं लेकिन तुम्हारी नजर मेरे माथे के पसीने तक पहुंच गई अरे मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को मंदोदरी रावण से गीदड़ों के जैसे न कर्म कीजिए कुछ शर्म कीजिए रावण गए मंदोदरी मंदोदरी लगता है क्या 12 दरी चौक पे जाना पड़ेगा ठीक से नहीं समझा है ये दशानन हारने वाला नहीं है ना ये दशानन झुकने वाला भी नहीं है ना अरे मैं कहती हूँ मैं रावण के अंदर अहंकार था तो पश्चाताप भी था रावण के अंदर अहंकार था तो पश्चाताप भी था रावण के अंदर वासना थी तो संयम भी था रावण के अंदर पर नारी हरने की ताकत थी ये जी तो बिना सहमति पराई स्त्री को स्पर्श ना करने का भी संकल्प था सीता जिंदा वापस मिली ये राम की ताकत थी सीता जिंदा वापस लाई ये राम की ताकत थी लेकिन सीता पवित्र वापस लौटी ये रावण की मर्यादा थी रावण को हलवे में ले लिया क्या समझ लिया रावण को गीता कह रही है वो भी एक धर्म पत्नी अपने पति से गीता वो भी प्रेता यही नहीं 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 समझाया जरूर है कि स्वामी बात मान जाइए उनसे वैर ना कीजिए हाँ प्राणनाथ ये क्या बात है ये बालाजी महाराज का दरबार है पूरा रामचंद्र जी सरकार है माता जानकी हैं लखन जी हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए हाँ प्रीतराज सरकार जी भी हैं तुलसीदास जी भी हैं कोतवाल सरकार हाँ कोतवाल जी हैं आप लोगों से निवेदन है सुनेगा सुनिए क्योंकि रावण भगवान विद्वान है चार वेद 6-7 अठारह पुराण का ज्ञाता है जिस समय जनकपुर में जाता है तो वो धनवान नहीं उठाता है क्योंकि वो ये समझ जाता है कि राम ही तो मेरा जमाता है दशमुख की मोक्ष पिटारी को धर्म धुर्ण साथ ले आना रावण कहने लगा रे मंदोदरी अरे मंदोदरी अरे चाहे बाजी लगे जान की करो नकाब से जान की Come on, 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 come on
क्योंकि ये जानकी कोई और नहीं है। अगर सोच रहा कि मंदोदरी तुझे कैसे बताओ, ये जानकी ही तो हमारी बेटी है। क्योंकि जब हम दशाना संतों का रत्न लहू पेट में लेता था, एक दिन घड़े में भर के ला रहा था, मंदोदरी ने पूछा स्वामी इस घड़े में क्या है, रावण ने कह दिया इसमें जहर है। रावण चला गया तपस्या करने के लिए, काफी समय बीत गया, वे जी मंदोदरी से नहीं रहा गया, पिया बिन भी क्या जीना। मंदोदरी ने उठाया, उस सोचा कि उसमें जहर है, उस रक्त को पी लिया। रावण जब वापस आया तो पता चला कि मंदोदरी गर्भवती है। अरे मंदोदरी ये क्या कर दिया, कोई क्या सोचेगा कि पति घर में नहीं फिर भी मंदोदरी गर्भवती है। रावण की गर्जना से गर्भपात हो जाते थे, रावण ने गर्जना की, गर्भपात हुआ, उसी गर्भ को घड़े में बंद करके जनकपुर में गड़वा दिया। वही जनकपुर में जब राजा ने हल चलाया, उसी से प्रकट हुई वो जानकी। समय राम ने कहा कि यहाँ जंगल में हम रामेश्वर की स्थापना करा रहे हैं, तो कोई ऐसा यज्ञाचार लेकर के आइए जिसे संपन्न कराए। अब बानरों ने कहा या कौन, कोई पंडित नहीं है, केवल एक है। बोले कौन? बोले वो दुश्मन है। अब आ भी जाएगा ये भी निश्चित नहीं है। राम जी बोले जाकर के देख लो, अगर आ जाए तो आ जाए। रावण के पास गए, बोले आपको राम जी बुला रहे हैं इसलिए, बोले लंका पर विजय श्री प्राप्त करने के लिए रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। रावण ने दो मिनट सोचा कि हमारी लंका पे विजय होनी है, लेकिन नहीं, रावण ने कहा मैं आऊंगा, मेरा जो धर्म है मैं उसे निभाऊंगा। रावण जैसे आने लगा तो रावण ने कहा कि यज्ञाचार का धर्म होता है कि पूरे पूजन की सामग्री उपलब्ध कराए, तो हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनके पास तो पूरी सामग्री भी नहीं है। क्योंकि जब पति पूजन पर बैठता है, वो शादी शुदा होता है, तो उसकी अर्धांगिनी भी साथ होना जरूरी होता है। रावण गया जानकी के पास, बोला जानकी जानकी आप मेरे यजमान की अर्धांगिनी है, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं तुम्हें ले चलूं। विमान में बैठाया दशानन ने, और समुद्र किनारे आया जहाँ राम जी रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। राम जी से दशानन ने कहा ठीक है स्थापना कराइए, लेकिन ये बताइए आपकी सामग्री में कुछ कमी महसूस हो रही है। कमी क्या महसूस है? बोले आपकी पत्नी नहीं दिख रही है। अब दशानन से ये भी नहीं कह रहे कि सबकी जल हरा तो तुम्हारी है, क्योंकि वो यज्ञाचार बन के बैठा है। तो राम जी ने कहा कि कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बिना पत्नी के यज्ञ पूरा हो जाए। शास्त्रों के कोई नीति से निकालिए कि बिना पत्नी के पूरा हो जाए। तो दशानन ने कहा तीन स्थिति में हो सकता है।
या तो आप शादीशुदा ना हो, या आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो, या फिर आप विधवा हो, आपकी पत्नी मर गई हो, तो इन तीनों में से कौन सी स्थिति है, मैं उसी अनुसार यज्ञ करूं। राम जी ने कहा ना तो मेरी पत्नी ने त्यागा है और ना मैं अविवाहित हूँ, मैं तो विवाहित हूँ, और ना मैं विदुर हूँ, तो तीनों स्थितियों में से तो कोई भी स्थिति नहीं है। तो दशानंद ने कहा तो चिंता मत करो, आज मेरा यज्ञ चार के रूप में आया हूँ, धर्म बनता है, जाओ जाओ उस जाकर के विमान में देखिए आपकी जो कमी है वो पूरी करने के लिए लाया हूँ, और जानकी को लेकर के राम के बगल में बिठा देता है। लेकिन कहता है जानकी इतना ध्यान रखना अभी तुम मेरी ही कस्टडी में हो, यज्ञ पूरा करा करके वापस ले गया राम, अब जीत के ले जाना, क्यों? क्योंकि यही जानकी मेरी मुक्ति की चाबी है। तो रावण ने कहा हे अवधवासी, जाओ तुम्हारी विजय हो।